हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम जादूगर की एक और बेहतरीन गेम देखेंगे जो कि उन्होंने 1989 में गुरा के सामने खेली थी। और दोस्तों, हम क्यों जादूगर की गेम को जो है इतना प्रीफर करते हैं, क्या होता है उनकी गेम में, बस एक चीज, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। काफी कम ऐसे चेस प्लेयर है जो जादूगर की तरह जो है एग्रेसिव खेलते थे, ऑडियंस के लिए खेलते थे और उनकी गेम में जो है एक जान रहती थी, ड्राई नहीं रहती थी। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप मॉडर्न गेम्स देखो तो कई बार आप गेम देखते देखते सो जाते हैं, बट या आप जादूगर की गेम देखते हो तब आपको जो है ऑलवेज मजा ही आता है। सो आइए शुरू करते हैं उनकी गेम, जहां पे उनके ओपोनेंट ने गेम की शुरुआत की d4 से। एंड नाउ जादूगर ने रिप्लाई दिया नाइट f6, नाउ c4, g6, नाइट c3। और यहाँ पे अगर ब्लैक d5 खेलता है देन इट्स ग्रुनफेल्ड डिफेंस, बट जादूगर ने खेला बिशप g7, सो किंग्स इंडियन डिफेंस, जहाँ पे e4 कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सेंटर। सो इस तरह के मॉडर्न ओपनिंग्स जो है, किंग्स इंडियन डिफेंस या फिर पग डिफेंस, एलेकैंड डिफेंस, सब में क्या होता है कि आप पहले जो है वाइट को सेंटर बिल्डअप करने दो, देन उस सेंटर पे जो है वो अटैक करो। हिलिडोर जो है काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, आपको शायद पता होगा कि 18 सेंचुरी में वो हो गए। सो उनका ये मानना था कि आप जितने पोन एडवांस करते हो उतने ही वो पोन जो है वीक भी हो जाते हैं। सो सेम आइडिया जो है यहाँ पे ब्लैक यूज कर रहा है विथ किंग्स इंडियन डिफेंस या फिर उस तरह के जो है हाइपर मॉडर्न ओपनिंग में। यहाँ पे मिखेल ताल ने जो है शॉर्ट कैसल खेला एंड नाउ बिशप e6 विथ एन आइडिया ऑफ e5 और c5 एंड देन वाइट के सेंटर पे अटैक करो। नाइट f3, e5 एंड नाउ कैसलिंग शॉर्ट। सो दोस्तों, e5 में आपको पोन नहीं जो है कैप्चर करते हो, देन सिंपली कैप्चर्स एंड आफ्टर नाइट कैप्चर्स, सिंपली नाइट कैप्चर्स पोन e4 यहाँ पे पॉसिबल, या फिर जब भी आप नाइट से कैप्चर करते हो वहां पे जो है आप रुक टू इवन e8 भी खेल सकते हो। बट एनीवेज गेम में चलते हैं, जहां पे ब्लैक ने कैसल खेला एंड नाउ नाइट c6 d5। सो व्हाइट ने जो है ब्लैक की नाइट पे अटैक किया है, क्वीन साइड जो स्पेस गेन की है। सो अगर हम पोन चेन को ध्यान से देखें, यहाँ पे मिखेल ताल ने नाइट e7 खेला, अगर पोन चेन को हम ध्यान से देखें सो व्हाइट के लिए की ब्रेक है अचीव करना c5, जबकि ब्लैक के लिए की ब्रेक है अचीव करना f5। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पोन चेन है और उसका हेड पोन जो होता है उस पर अटैक करना होता है। सो यहाँ पे व्हाइट का हेड पोन है पोन ऑन e4, सो ब्लैक जो है f5 खेल के अटैक करेगा, जबकि ब्लैक की इस पोन चेन का जो है हेड पोन है c5। सो उधर जो है व्हाइट यूजुअली b4 एंड c5 करके जो है अटैक करता है, उस साइड जो है क्वीन साइड स्पेस गेन करता है और बाद में उधर से अपने पीसेस को गेम में लाता है। यहाँ पे मिखेल ताल के ओपोनेंट गुवेरा ने नाइट टू d2 खेला एंड नाउ a5 a3। सो f5 इसलिए दोस्तों कि व्हाइट का जो है b4 स्टॉक हो जाए और अटैक जो है थोड़ा स्लो हो जाए। एंड नाउ नाइट टू d7 विथ एन आइडिया ऑफ f5, काफी जो है कॉमन आइडिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी है इन किंग्स इंडियन डिफेंस के, आप जो है f5 करके वहां पे जो है स्पेस गेन करो और व्हाइट के किंग पे अटैक करो। नाउ रुक टू b1 विथ एन आइडिया ऑफ b4 एंड नाउ f5। सो प्लेयर जो है अपनी अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे खेल रहे हैं। एंड नाउ b4, नाइट टू f6 एंड नाउ c5। सो फाइनली जो है व्हाइट भी अपना पोन ब्रेक अचीव करने में कामयाब रहा। एंड नाउ किंग टू h8, सी टेक्स ऑन d6, पोन कैप्चर d6 एंड नाउ b5, जबकि वहां पे पोन कैप्चर ऑन a5 भी खेला जा सकता था। आपका रुक जो है b5 पे है तो आप वहां पे b5 पे प्ले नहीं की ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे मिखेल ताल ने बिशप h6 खेला, उन्होंने जो है अपने बिशप को इम्प्रूव किया। एंड नाउ बिशप टू d3, बिशप टू d7, जस्ट लास्ट माइनर्स गेम में निकाला बिशप टू b2 एंड टू c8। और इस पोजीशन में जो है वो पोन कैप्चर्स ऑन f5 व्हाइट ने खेला, और ये शायद जो है थोड़ी गलती है कि पोन कैप्चर्स f5 के बाद सिंपली पोन कैप्चर्स f5 ब्लैक को जो है g5 अटैक करने के लिए मिल जाएगा और उनके पोन ऑन e5 एंड f5 जो है वो आगे चल के काफी डेंजरस भी प्रूव हो सकते हैं, क्योंकि f4 एंड f3 जैसा प्लान कुछ हो सकता है, या फिर e4 करके जो है आप वहां पे सेंटर में स्पेस भी गेन कर सकते हो, आपको आगे चल के जो है e5 स्क्वायर भी मिल सकता है। सो यहाँ पे काफी अच्छे चांसेस रहते हैं जब व्हाइट जो है वो f5 पे कैप्चर करता है। बट यहाँ पे से आप ट्राई करते हो a4, देन अगर ब्लैक अब जो है वो f4 जैसा कुछ खेलता है, देन क्या होगा कि सिंपली जो है नाइट टू c4 आ जाएगा, पोन ऑन d6 पे अटैक है एंड आफ्टर बिशप टू e3 सिंपली बिशप टू a3। और यहाँ पे व्हाइट जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब d6 जो है वो अंडर प्रेशर में है, व्हाइट को कोई भी जो है इश्यू नहीं है, जबकि वहां पे f3 जैसी मूव आएगी देन क्वीन कैप्चर्स f3 पॉसिबल है। ऑफकोर्स कुछ जो है डिस्कवरी आपको मिलेगी, बट इट्स नथिंग लाइक वहां पे जो है ब्लैक विन हो रहा है इमीडिएटली। बट एनीवेज हमारी गेम में चलते हैं, जहां पे रुक टू c8 के बाद खेला गया
पोन कैप्चर्स ऑन F5 एंड नाउ पोन कैप्चर्स ऑन F5। सीन लोग जो ऐसा बोलते हैं कि इवन स्कूल बॉयज नोज कि जब भी जो है पोन कैप्चर्स F5 होता है आपको जी कैप्चर्स F5 ही खेलना है, आपको कोई पीस से कैप्चर नहीं करना है उधर। नाउ नाइट टू C4 D6 पर अटैक है, सो मिखेल ताल ने यहाँ पे खेला बिशप टू 8 पोन को सपोर्ट दिया एंड नाउ B6। सो जो है और स्पेस गेन करने की ट्राई और साथ साथ जो है आगे चल के माइट बी B5 स्क्वायर को यूज करने की यहाँ पे ट्राई है। यहाँ पे मिखेल ताल ने खेला बिशप टू H5 और इस पोजीशन में आप चाहो तो क्वीन B3 खेलो, क्वीन C2 खेलो, राइट, या फिर एटलीस्ट क्वीन E1 खेलो, बट गेम में जो खेला गया वो मत खेलो, वो खेला गया बिशप टू E2। सो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि यहाँ पे मिखेल ताल ने क्या खेला हो। रेडी दोस्तों, यहाँ पे मिखेल ताल ने खेला रुक टेक्स ऑन C4, पॉइंट बीइंग के जो है बिशप क्वीन है एंड आफ्टर बिशप कैप्चर्स ऑन H5 यहाँ पे उन्होंने खेल दिया क्वीन कैप्चर्स ऑन B6। सो प्रैक्टिकली वो जो है वो व्हाइट को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप मेरी क्वीन को जो है ट्रैप कीजिए या फिर आप जो है मेरी क्वीन को विन करने की ट्राई कीजिए। और व्हाइट ने जो है खुशी खुशी वो चुनौती एक्सेप्ट की, उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप टू C1। बट नाउ मिखेल ताल ने जो है सिंपली अपनी जो है पैटर्न मूव, अपनी ट्रेडमार्क मूव खेली, उन्होंने अपनी क्वीन का सेक्रीफाइस दे दिया विथ क्वीन कैप्चर्स ऑन B1 आफ्टर नाइट कैप्चर्स ऑन B1 जस्ट रुक कैप्चर्स ऑन C1। सो यहाँ पे से आप ट्राई करते हो क्वीन कैप्चर्स देन बिशप कैप्चर्स एंड देन रुक कैप्चर्स, देन जो है D5 पोन सिंपली फॉल हो जाएगा और यहाँ पे जो है बिशप भी हैंगिंग है, सो पोजीशन जो है वो जस्ट ब्लैक के लिए विन हो जाती। मैं आपको दिखा देता हूँ उसे दिस देन ओके दिस टेक्स एंड सिंपली नाइट कैप्चर्स और यहाँ पे ओके ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पीन है, ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पीस है प्लस D5 पोन जो है दोस्तों फॉल होने वाला है, सिंपली जो है नाइट टू F6 आ जाएगा इवन आप जो है उस पोन को सपोर्ट करने के लिए जाते हो। सो ओके गेम में चलते हैं जहां पे नाइट कैप्चर्स B1 के बाद रुक कैप्चर्स C1 और व्हाइट ने खेला क्वीन F3 और एक गलती की। यहां पे कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि क्वीन B3 जो है थोड़ा अच्छा है क्योंकि अब नाइट कैप्चर्स H5 डायरेक्टली खेलते हैं देन अच्छा है, बट यहां पे से हम ट्राई करते हैं कि चलिए पहले जो है वो रुक कैप्चर्स ऑन F1 आफ्टर किंग कैप्चर्स F1 सिंपली नाइट कैप्चर्स ऑन H5 और आपके पास एक एक्स्ट्रा पीस है बट देन क्वीन H3 आ जाएगा और ये पोजीशन में जो है वो व्हाइट थोड़ा फाइट कर सकता है। बट से क्वीन B3 यहाँ पे ब्लैक आराम से जो है नाइट कैप्चर्स ऑन H5 खेल सकता है। पॉइंट बीइंग जैसे अब आप जो है क्वीन टू H3 खेलते हो देन जस्ट गेम फिनिश हो जाएगी विथ नाइट टू F4 क्वीन पे अटैक है, सो आपके पास रुक को मारने का टाइम नहीं है। अगर आप जो है बिशप को कैप्चर करते हो देन नाइट E2 चेक फॉलोड बाय रुक कैप्चर्स F1 जो है मेट हो रही है, सो गेम जो है जस्ट ब्लैक की फेवर में जा रही है। सो रुक टेक्स ऑन C1 और क्वीन B3 शायद ज्यादा प्रिफरेबल था। अफकोर्स आप जो है क्वीन B3 एंड क्वीन H3 जैसी जो है इमीडिएट गलती ना करो, बट गेम में जो खेला गया क्वीन F3 ओके ये जो है वो गलत मूव है। अब मिखेल ताल ने यहाँ पे सिंपली खेल दिया रुक F2 C8, सो जो है सिंपली थ्रेट है दोस्तों यहाँ पे कैप्चर्स एंड देन जो है नाइट को भी विन करने की। सो G3 खेला गया बट उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। अब सिंपली रुक टेक्स, किंग टेक्स, रुक चेक, किंग G2 एंड देन रुक कैप्चर्स ऑन B1 और अब मिखेल ताल जो है यहाँ पे क्लियर कट विन है। डेफिनेटली दोस्तों उनके पास क्वीन नहीं है बट क्वीन के बदले में जो है 3 पीसेज है। इस पोजीशन में क्वीन टू जो है वो D3 खेला गया, सो अब रुक टू जस्ट B2 पोन ऑन जो है वो F2 को थोड़ा प्रेशर में लाया, साथ साथ उनके पास जो है डास्कर बिशप है, सो कभी भी बिशप जो है वो अगर G1 A7 डायगनल में आ जाए तो F2 पोन जो है फॉल हो जाएगा। इस पोजीशन में बिशप टू F3 खेला गया एंड ऑफकोर्स हम जो है पोन टू पोन नहीं खेल सकते अदरवाइज, सिंपली वहां पे जो है क्वीन टू जो है वो D4 आ जाएगा एंड से आप जो है वहां पे ट्राई करते हो लाइक पोन कैप्चर्स देन सिंपली किंग कैप्चर्स और अभी भी जो है प्रॉब्लम तो है ही क्योंकि आपकी नाइट जो है अंडर अटैक रहेगी आई गेस या सो पोन पुश देन ओके रादर देन क्वीन D4 आई गेस क्वीन C3 ज्यादा बेटर है क्योंकि पोन कैप्चर्स के बाद किंग कैप्चर्स हम खेलेंगे। सो अगर हमारा क्वीन D4 पे होता है तो रुक चेक देके निकल जाएंगे या सो क्वीन C3 इज जस्ट मच बेटर और अभी भी जो है डबल अटैक है, सो व्हाइट जो है यहाँ पे कुछ काउंटर प्ले क्रिएट कर सकता है। बट गेम में चलते जहाँ पे बिशप टू F3 के बाद जादूगर ने खेला जस्ट पोन टू B5, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वीन C3 रुक पे अटैक है रुक टू D2 बिशप के सपोर्ट से एंड नाउ किंग टू G1 नाइट कैप्चर्स ऑन D5 क्वीन पे अटैक है बिशप कैप्चर्स ऑन D5 एंड नाउ नाइट कैप्चर्स सॉरी रुक कैप्चर्स ऑन D5 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन A5 3 पीस है अगेंस्ट क्वीन और साथ साथ जो है एक एक्स्ट्रा पोन, सो एक गेम जो है क्लियर कट विनिंग है। बट हम देखते हैं किस तरह से जादूगर ने जो है टेक्निकलिटी कंप्लीट की और गेम को फिनिश किया। यहाँ पे बिशप टू G5 मिखेल ताल ने खेला एंड नाउ
एच फोर बिशप पे अटैक है, बिशप टू जस्ट एफ सिक्स, किंग जी टू एंड नाउ किंग जी सेवन। आपको ध्यान यकी रखना है ब्लैक साइड से कहीं परपेचुअल ना हो जाए, अदरवाइज गेम में कुछ नहीं है व्हाइट के लिए। यहाँ पर क्वीन डी एट खेला गया एंड नाउ किंग एफ सेवन, क्वीन टू डी सेवन एंड नाउ ई फोर, सो किंग एफ वन एंड नाउ बिशप टू ई फाइव, जस्ट अपने पीसेस को जो है सेंट्रलाइज किया एंड नाउ क्वीन टू बी सेवन रुक अटैक है, किंग टू ई सिक्स, किंग ई टू एंड नाउ बिशप टू बिशप टू डी फोर एफ थ्री, पॉन कैप्चर्स ऑन एफ थ्री, किंग कैप्चर्स ऑन एफ थ्री एंड नाउ एच फाइव, क्वीन एट विथ एन आइडिया ऑफ माइट बी क्वीन टू एट एंड जो है इस पॉन को टारगेट करना। यहाँ पे मिखेल ताल ने खेला बिशप टू ई फाइव विथ एन आइडिया ऑफ अ चेक एंड देन आप जो है वहां पे पॉन को विन कर सकते हो। यहाँ पे क्वीन टू ई एट खेला गया, सो पॉन ऑन जो है एच फाइव पे अटैक है और मिखेल ताल ने यहाँ पे रुक से चेक दिया एंड आफ्टर किंग ई टू सिंपली उन्होंने जो है रुक कैप्चर्स ऑन ए थ्री खेला। सो यहाँ पे से एच फाइव कैप्चर होता है देन जो है सिंपली बन जाएगा। सो व्हाइट ने पहले जो है बी फाइव के पॉन को कैप्चर किया बट नाउ रुक टेक्स ऑन जी थ्री क्वीन ई एट एंड अगेन जो है ऑन एच फाइव पे अटैक है, सो रुक टू जी सिक्स एंड नाउ किंग टू एफ थ्री बिशप टू एफ सिक्स, तो पोन ऑन एच फोर पे अटैक है। जैसे ही पोन ऑन एच फोर चला जाएगा सिंपली हम वहां पे पोन पुश कर सकते हैं। इस पोजीशन में क्वीन टू बी फाइव खेला गया एंड नाउ रुक टू जी फोर, क्वीन टू बी थ्री चेक, नाइट टू डी फाइव, क्वीन टू बी सेवन एंड नाउ रुक टू एफ फोर चेक, किंग जी टू देन जो है रुक कैप्चर्स ऑन एच फोर, ताल ने खेला। नाउ क्वीन टू सी एट चेक, कुछ चेक्स दिए यहाँ पे बट वो जो है कुछ ज्यादा इतने इफेक्टिव नहीं रहे। क्वीन ई एट चेक, बिशप ई सेवन, क्वीन एच एट चेक, किंग ई फोर, क्वीन एट टू जी फोर चेक, किंग एच पोन एफ फोर, सो सिंपली किंग कट ऑफ हो चुका है और यहाँ पे अब जो है पोन इनटू क्वीन प्रमोशन को स्टॉप नहीं कर सकते। क्वीन ई एट खेला गया एंड नाउ पोन टू जस्ट एफ थ्री, नाउ क्वीन चेक से आप दोस्तों वहां पे ट्राई करते हो क्वीन कैप्चर, सिंपली क्वीन जा रही थी सो इसलिए पोन को कैप्चर नहीं किया जा सकता था। किंग टू ई फाइव जादूगर ने खेला एंड नाउ क्वीन एवन चेक, किंग ई सिक्स, क्वीन ई वन चेक, किंग डी सेवन, नो मोर चेक्स, क्वीन टू एफ वन देन एफ टू। तो दोस्तों यहाँ पे अब कुछ है नहीं, अगर आप जो है आई मीन ऐसे ही क्वीन को वहां पे रखते हो देन सिंपली हम जो है नाइट टू जो है ई थ्री खेल सकते हैं देन पोन प्रमोशन इन टू क्वीन खेल सकते हैं। फिलहाल के लिए पोन को कैप्चर करना भी जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिंपली नाइट चेक एंड देन जो है रुक चेक में क्वीन जा रही है। सो एफ टू चेक के बाद क्वीन टू बी फाइव चेक एंड देन किंग ई सिक्स, क्वीन चेक, नाउ किंग टू एफ सिक्स और यहाँ पे इवन आप जो है विच चेक भी मारो फिर भी जो है नाइट एफ फोर जो है काउंटर चेक आ जाएगा एंड देन जो है रुक जी टू में क्वीन चली जाएगी। सो किंग टू एच टू बट नाउ ओके रुक टू एफ फोर जस्ट अपने पोन को सपोर्ट दिया एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन एच फाइव और जैसे मिखेल ताल ने पोन को जो है क्वीन में तब्दील किया इस पोजीशन में गुवेरा ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको जादूगर की ये गेम और आज का वीडियो? आई होप मेरा वीडियो और ये गेम दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।